Panda. So, in today's class, we are going to learn about the giant panda. Chapter number four, the giant panda of your English reader book. So, let's open your English reader book and begin with me. Okay, kids, so let's begin the chapter, and the name of the chapter is The Giant Panda, right? So, kids, here five pictures are given to you, right? So, what do we have to do with these pictures let's study get started can you name these animals one of the animals is often incorrectly called a bear but does not belong to the bear family at all can you spot it so kids in this five pictures right we have to find out which one is not a bear right which one is not a bear we have to spot it okay first we have to name these animals first one is grizzly bear first one is grizzly bear second one american black bear second one is american black bear third one cola bear fourth one polar bear and the last one is Giant panda about which we are going to study. So, let's begin what we are going to study about giant pandas, right? Okay, so giant pandas. Now, begin the chapter. There are eight different types of bears on the planet. Bears live in North America, South America, Europe, and Asia. So, kids, in this planet, there are eight different types of beers. How many types of beers? Eight different types of beers. Now, beers live in North America, South America, Europe, and Asia. So beers ka rehte hai? North America means South America, Europe, and Asia. Kids kindly underline these. Hold the pencil and underline. How many types of bears are there? Eight. Right? And where do they live? They live in North America, South America, Europe, and Asia. Right? Okay. Next. Giant pandas are found only in China. So, these are found jate only in China. They are found only in China. China may hote हैं. Next. देर आर probably ओनली अबाउट अ थाउजेंड जाइन पांडाज लेफ्ट इन द वर्ल्ड सो kids, इस वर्ल्ड में अब प्रॉबेबली थाउजेंड जाय पांडाज ही बचे हैं मोस्टली सारे एक्सटेंट टू गए एक्सटेंट मीन्स गायब होते गए गायब क्यों होते गए क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही तो दे आर गेटिंग दाए एवरी डे राइट सो अब कितने बचे हैं मोस्ट प्रोबेबली अ थाउजेंड जाइन पांडाज लेफ्ट इन द वर्ल्ड ओके क्शन वन वाट आर जाइन पांडाज जाइ पांडाज आर ब्लैक एंड वाइट चाइनीज बियर्स तो जाइन पांडाज क्या कौन होते हैं क्या हैं वो एक ब्लैक एंड वाइट चाइनीज बियर्स होते हैं फीमेल पांडाज आर कॉल्ड सोस मेल्स आर कॉल्ड बोर्स एंड बेबी पांडाज़ आर कॉल्ड कब्ज तो फीमेल पांडाज़ को क्या बोलते हैं सोस अंडरलाइन मेल पांडास को बोर्स एंड बेबी पांडास को कब्स किड्स काइंडली अंडरलाइन दीज सेंटेंसेस ओके द पांडा इज अ सिंबल ऑफ पीस इन चाइना सो किड्स पांडा को चाइना में सिंबल ऑफ पीस माना जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ पीस जैसे हमारे यहाँ पर आप देखते हो लाइक like, कोई भी फोटो होती है जब हम कहते हैं ना ओ दिस फोटो इज़ वेरी गुड फॉर अस हमारे घर में ये ये रखने से बहुत अच्छा होता है कहते हैं ना ये चीज़ घर में रखने से अच्छा होता है शांति आती है बहुत कुछ अच्छा होता है राइट right? uh, आपने ये भी देखा है लाफिंग बुद्धा भी रखते हैं लोग अपने घर में और आपने देखा होगा वाइट हॉर्सेस की पिक्स भी रख फोटोज़ रखी जाती हैं कहते हैं अच्छा होता है सेम एज़ चाइनीज़ बिलीव दैट के वाइट पांडा सिंबल होते हैं हमारे पीस के राइट दे बिलीव दैट चाइना बिलीव दैट राइट ओके नेक्स्ट वट डू पांडाज लुक लाइक पांडाज कैसे दिखाई कैसे दिखते हैं पांडाज आर लार्ज एंड हैव बिग हेड्स एंड हैवी बॉडीज हाउ डू दे लुक लाइक दे आर लार्ज एंड बिग हेड्स उनके हेड्स कैसे होते हैं बहुत बड़े होते हैं और उनकी बॉडी कैसी होती है बहुत हीवी होती है देयर ईयर्स आर राउंड एंड देयर टेल्स आर शॉर्ट और इनके ईयर्स कैसे होते हैं राउंड होते हैं और उनकी टेल्स कैसी होती हैं शॉर्ट होती हैं छोटी सी ने द चाइनीज़ कॉल द पांडा द जाइन कैट बियर तो चाइनीज़ इनको क्या बोलते हैं जाइन कैट बियर्स चाइनीज़ इनको क्या बोलते हैं जाइन कैट बियर अंडरलाइन बिकॉज दे हैव कैट लाइक आइज़ क्यों बोलते हैं उनको ऐसा क्योंकि उनकी कैट जैसी आइज़ होती हैं दे हैव कैट लाइक आइज़ पांडाज़ हैव शार्प आइज़ एंड कैन सी वेरी वेल और पांडाज़ की आईज़ कैसी होती है बहुत शार्प होती हैं वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं राइट right? वो दूर तक की चीज़ को इतनी क्लियरली देख सकते हैं हम लोग दूर की चीज़ देख सकते हैं बट उनकी उनकी जो आइज़ होती है बहुत शार्प होती है और भी ज़्यादा दूर से वो क्लियर देख सकते हैं कि कौन आ रहा है उनका एनिमी है उनका बेबी है या उनके फ्रेंड्स हैं वो बहुत दूर से उनकी शार्प आइज़ से वो देख सकते हैं जाइंट पांडाज आर मेनली वाइट हाउ एवर दे हैव ब्लैक पैचे अराउंड द आइज ईयर्स शोल्डर्स चेस्ट लेग्स एंड फीट जाइंट पांडाज कैसे होते हैं मेनली वो वाइट कलर के होते हैं बट फिर भी उनके क्या होता है उनकी बॉडी पे ब्लैक कलर के पैचेज़ होते हैं आप जैसे कि आपने इन बुक्स में पिक्चर्स में देख सकते हो उनकी बॉडी पे ब्लैक कलर के पैचेज होते हैं राइट right? और उनकी आइज पे भी होते हैं ईयर्स पे भी होते हैं शोल्डर्स पे भी आप देखिए ब्लैक कलर के पैचेज़ हैं उनकी चेस्ट पे लेग्स पे फीट पे दे लिव इन स्नोई एंड रॉकी प्लेसेस कहाँ रहते हैं वो स्नोई एंड रॉकी प्लेसेस में रहते हैं देर ब्लैक एंड वाइट कलरिंग हेल्प देम टू हाइड फ्रॉम एनिमीज़ तो उनके जो ब्लैक और वाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं हेल्प करते हैं किस चीज़ में हेल्प करते हैं उनके अंदर जो ब्लैक कलर और वाइट कलर के पैचेज़ होते हैं ना तो इन इनको हाइड होने में हेल्प करते हैं जब ये कहीं पे भी ट्री के पीछे कहीं भी छुप जाते तो वो ब्लैक अंधेरे में कुछ ब्लैक ब्लैक होता है तो पता ही नहीं चलता और डे में भी वो व्हाइट वाइट तो इस तरीके से वो हेल्प करते हैं अगर वो कहीं छुप जाते तो कुछ पता नहीं चलता कि ब्लैक कलर का क्या है और वाइट कलर का क्या है तो इस तरीके से वो अपने एनिमीज से बच सकते हैं वॉट इज़ हु आर एनिमीज़ एनिमीज़ क्या होते हैं एनिमीज़ जो हमारे दुश्मन होते हैं जो इनके ऊपर अटैक करते हैं राइट ओके पांडाज हैव वेरी थिक ऑयली वुली फर दैट कीब्स देम वाम इन द कोल्ड एंड वेट माउंटेंस पांडाज में क्या होता है पांडाज की जो बॉडी होती है उसके ऊपर कैसे होते हैं उसके थिक ऑयली वुली फर होते हैं उसके ऊपर जो बॉडीज पे हेयर होते हैं फ़र होते हैं वो कैसे होते हैं थिक होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं ऑयली होते हैं वूली होते हैं वूली मीन्स ऊन की तरह मोटे मोटे जो कि क्या करते हैं कीप्स दैम वाम इन द कोल्ड एंड वेट माउंटेंस जो उनको हेल्प करते हैं वार्म करने में वार्म मीन्स गर्म रखते हैं विंटर्स में उनको फिर ठंड नहीं लगती बिकॉज ऑफ देयर वूली फर राइट ओके हाउ बिग आर जाइन पांडास जाइन पांडास कितने बिग होते हैं अ फुल ग्रोन मेल पांडा कैन बी अबाउट सिक्स फीट टॉल एंड वे अप टू वन हंड्रेड फिफ्टी किलोग्राम्स एक जो फुली ग्रोन मेल पांडा होता है वो कितना होता है सिक्स फीट का सिक्स फीट आप इमेजिन कर सकते हो आप अपने फादर को देखो उससे फादर से भी बड़े सिक्स फीट इतना बड़ा होता है पांडा और इसका वेट कितना होता है वन हंड्रेड फिफ्टीन किलोग्राम्स राइट फीमेल्स आर स्मॉलर फीमेल्स छोटी होती हैं मेल से आपने घर में भी देखा है कि पापा बड़े होते हैं मम्मा छोटे होती हैं ऐसे ही ओके वाइल मैनी पीपल थिंक पांडाज आर कटली एंड स्वीट बट कुछ लोग सोचते हैं देखते भी जिन्होंने देखा है क्या देखते हैं वो कि पांडा क्या होता है कडली होते हैं कडली मीन्स सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं जैसे आपने देखा अपने टेडी बियर होता है बियर कैसा होता है सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना उसको हग करने का मन करता है तो ऐसे ही कडली होते हैं और स्वीट होते हैं। बहुत क्यूट क्यूट से होते हैं दे कैन बी दे कैन बी एज डेंजरस एज एनी अदर बीयर्स बट ये डेंजरस भी होते हैं जैसे कि दूसरे बियर्स डेंजरस होते हैं ना डेंजरस मीन्स जो अटैक कर सकते हैं अगर हम लाइक like, अगर इनको कोई छेड़ेगा तो ये अटैक भी करते हैं तो ये भी डेंजरस होते हैं ओके ओके हाउ डू पांडाज मूव पांडाज मूव कैसे होते हैं कैसे चलते हैं क्या करते हैं पांडाज आर गुड क्लाइंबर्स पांडास क्या होते है गुड क्लाइंबर्स होते हैं गुड क्लाइंबर्स मीन्स वो बहुत अच्छे क्लाइंबर पेड़ पे बड़े जल्दी से ऊंचे ऊंचे उच ऊँचे पेड़ों पे चढ़ जाते हैं ऊँची ऊंची जगह पे बड़ी जल्दी से आसानी से चढ़ जाते हैं समाइम्स दे टेक एन आफ्टरनून नैप हाई अप इन द ट्रीज तो कई बार ये क्या होता है कि ये अपना शॉर्ट नैप शॉर्ट स्लीप लेते हैं शॉर्ट नैप शॉर्ट स्लीप मीन्स थोड़ी देर के लिए जब हाई अप ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं ना हाई ट्रीज़ के ऊपर तो वहीं पर यह अपना थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं स्लीप करते हैं राइट दे यूज़ देयर शॉर्ट क्लो क्लॉज टू होल्ड ऑन टू द बाग ऑफ ट्रीज़ तो ये क्या करते हैं इनके जो शॉर्ट क्लोज होते क्लॉज होते क्लॉज मीन पंजेज होते हैं उनकी हेल्प से ये ट्रीज़ को ट्रीज़ की बाग्स को होल्ड करके रखते हैं पकड़ के रखते हैं पांडास कैन नॉट रन फास्ट बट किड्स पांडास कैन नॉट रन फास्ट पांडास का क्या होता है कि वो रन नहीं कर सकते फास्ट लाइक अदर एनिमल्स आपने देखा है टाइगर चीता और भी एनिमल्स कितनी जल्दी रन कर सकते हैं बट दे कैन नॉट व नाउ सेक्शन टू वॉट डू पांडाज ईट पांडाज क्या खाते हैं इन द वाइल्ड पांडाज इन द वाइल्ड पांडाज ओनली ईट बैम्बू इन द वाइल्ड मीन्स जंगल में क्या करते हैं वो ओनली ईट बैम्बू क्या खाते हैं बैम्बू ट्रीज आपने बैम्बू ट्रीज देखी है लकड़ियाँ देखी हैं, हैं? हैं? बाँस की लकड़ी तो वो सिर्फ बैम्बू ट्री बैम्बूज खाते हैं पांडाज हैव टू ईट food फूड टू स्टे हेल्दी बट पांडा को जो खो होता है ना बहुत ज़्यादा खाते हैं वो इतना सा नहीं खाते इतने भूखे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं इतने से उनका पेट नहीं भरता है दे ईट टेन टू ट्वेंटी किलोग्राम्स ऑफ बैम्बू एवरी डे तो उनको टेन टू ट्वेंटी किलोग्राम्स बैम्बूज खाते हैं तब जाके उनका पेट भरता है देर आर वेरी फ्यू बैम्बू फॉरेस्ट लेफ्ट टूडे बट आज के टाइम में हम देखते हैं कि बैम्बू फॉरेस्ट भी नहीं है बहुत कम बचे हैं सो मनी वाइल्ड पांडाज़ आर शॉर्ट ऑफ फूड तो क्या हो रहा है आज उनको शॉर्ट ऑफ फूड हो रहा है सो मेनी वाइल्ड पांडाज़ वो वाइल्ड पांडाज मीन जो जंगल में रह रहे हैं उनको फ़ूड प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है शॉर्ट ऑफ फूड मीन्स कम हो रहा है उनके लिए फ़ूड उनको इनफ फ़ूड नहीं मिल रहा है सून वी मे फाइंड दैट देर आर नो पांडाज लेफ्ट इन द वर्ल्ड और आगे आगे क्या देखेंगे हम कि देर आर नो पांडाज लेफ्ट इन द वर्ल्ड वर्ल्ड में कोई भी पांडा नहीं बचेगा इन जूज एंड इन अदर सेंटर्स वेयर दे आर टेकन केयर ऑफ पांडाज ईट बैम्बू राइस सीरियल कैरेट्स एप्पल्स एंड स्वीट potatoes. तो आप देखते हो चिल्ड्रन ज़ू गए हो आप, आप में से कौन कौन जू गया है तो आप ज़ू में क्या देखते हो कि बहुत सारे लाइक ज़ू में भी आपने पांडास देखे होंगे और ज़ू में रखते भी हैं पांडास और बहुत सारे और भी एनिमल सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे भी पांडास को क्या उनका भोजन क्या होता है उनका फ़ूड क्या होता है वैसे तो वो बैम्बू खाते हैं उनको बैम्बू भी देते हैं बट बैम्बूज के अलावा उनको क्या क्या खाने को देते हैं दे गिव दम बैम्बूज राइस सीरियल्स कैरेट्स एप्पल्स एंड स्वीट पटेटोज़ तो ये सब भी उनको दिया जाता है द पांडास फ्रंट पॉज़ आर नाट लाइक द पॉज़ ऑफ अदर एनिमल्स जो पांडास के फ्रंट पॉज होते हैं आगे वाले पंजे जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स की तरह नहीं होते दे हैवे थम उनके पा, उनके पॉज में उनके क्लॉज में क्या होता है उनके पॉज सॉरी उनके पॉज में क्या होता है एक थम्ब होता है तो वो थम्ब किस लिए यूज़ करते हैं दे यूज देयर पॉज टू होल्ड देयर फूड तो वो पॉज अपने क्यों यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं वो अपना फूड को होल्ड करने के लिए राइट right? फूड उनका क्या क्या होता है बैम्बू शूट्स एंड लीव्स तो वो बैम्बू शूट्स और लीव्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं राइट ओके हाउ लॉन्ग डू पांडा लिव पांडाज कितने टाइम तक जीते हैं और मीन्स उनकी एज कितनी होती है वो कब तक जीते हैं जॉइन पांडाज लिव फॉर अबाउट थर्टी फाइव ईयर्स तो कितने टाइम तक वो जीते थर्टी फाइव ईयर्स उनकी एज क्या होती है थर्टी फाइव ईयर्स तक वो जीते हैं सम टाइम्स द लिव लॉन्गर इन कैप्टिविटी दिन इन द वाइल्ड बट कई बार क्या होता है वो थर्टी फाइव से भी ज़्यादा जीते हैं अगर वो जू में जूज में या एनी अदर एनिमल सेंटर्स में रखे जाते हैं जहाँ उनको प्रॉपर फूड और उनका प्रॉपर टेक केयर होता है जहाँ उनको अच्छे से रखा जाता है देन दे लिव लॉन्गर इन कैप्टिविटी देन इन द वाइल्ड इन कैप्टिविटी मीन्स लाइक इन द ज़ू और एनी अदर प्लेस rather देन वाइल्ड वाइल्ड मीन्स जंगल की जगह अगर वो कहीं और रखे जाते हैं तो वो ज़्यादा भी जीते हैं वट साउंड डू पांडाज मेक पांडाज कैसी साउंड मेक करते हैं कैसे करते हैं वो पांडाज मोस्टली कीप साइलेंट वो क्या होते हैं मोस्टली साइलेंट रहते हैं वो दे ब्लीट वन दे कम्युनिकेट इन अ फ्रेंडली मैनर वो ब्लीट करते हैं ब्लीट कैसे जैसे शिप शीप होती है ना शीप वो साउंड करती है मैं मैं कुछ करके तो इसी तरीके से वो भी जब अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ अपने ही अदर्स पांडाज के साथ बात करते हैं कम्युनिकेट करते हैं तो वो वट काइंड ऑफ साउंड डू दे मेक दे bleat right when they communicate in a friendly manner they bark to scare away an enemy और जब अपने एनिमी को डराना होता है तो वो किस टाइप की साउंड क्रिएट करते हैं दे बाक बाक मीन्स भोग भोगते हैं जैसे डॉग्स भोगते हैं ना इसी टाइप की एक साउंड को क्रिएट करते हैं मतलब उनकी साउंड डिफरेंट होती है नॉट सेम बट हाँ साउंड चेंज हो जाती है साउंड की जो टोन होती है वो चेंज जब वो फ्रेंड से बात करते हैं तो डिफरेंट टोन में जब एनिमीज़ को भगाना होता है तो डिफरेंट हम भी अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो बहुत सॉफ्टली करते हैं और जब हमें गुस्सा आता है हमारे को हमें कोई पसंद नहीं होता हम उनसे गुस्से में बात करते हैं तो हमारी आवाज़ दूसरी होती है यस सो दे बाग टू स्केयर अवे एन एनिमी वेन दे आर इन पेन द स्क्ल और जब उनको पेन होता है हम हम भी जब पेन करते हैं डिफरेंट वॉइस क्रिएट करते हैं डिफरेंट साउंड क्रिएट करते हैं सो so, वो भी एक स्क्ल किस टाइप की साउंड क्रिएट करते हैं स्क्वील मीन्स अ लॉन्ग हाई पेज साउंड बहुत जोर से ऊंची आवाज होती है ये राइट ओके हु आर द पांडाज एनिमीज पांडाज के एनिमीज कौन कौन होते हैं कौन से एनिमल्स होते हैं राइट अजैंत पांडा हैज अ हैज़ अ वेरी फ्यू नेचुरल एनिमीज अजैन पांडा हैज़ वेरी फ्यू नेचुरल एनिमीज उनके कुछ फ्यू नेचुरल एनिमीज होते हैं वन ऑफ देम इज़ स्नो लेपर्ड उनमें से कौन सा है स्नो लेपर्ड इट कैन कैच अ बेबी पांडा दैट हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स मदर तो ये स्नो पांडा एनिमी क्यों होते हैं एनिमी मीन्स दुश्मन तो वो क्यों होते हैं क्योंकि वो उनके बेबी पांडा को ले जाते हैं अगर देखते हैं ना बेबी पांडा दूर है म, 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 मदर पांडा से मम्मा से दूर हो जाता है तो उसको कौन ले जाते हैं स्नो लेपर्ड पकड़ के ले जाते हैं समटाइम्स हंगरी ईगल में स्नेच बेबी पांडा कई बार क्या होता है ईगल्स भी बेबी पांडाज़ को ले जाती है बेबी पांडास तो छोटे छोटे होते हैं तो ईगल क्या करती है उनको कैच कर लेती है राइट right? और वो कब होते हैं जब वो ट्रीज़ पर अपने देखो बेबी पांडाज मोस्टली कई बार ट्री पर भी छोड़ जाते हैं ना बेबीज़ पांडा ट्री में होते हैं तो वो ट्री में अगर रह जाते हैं तो ईगल क्या करती है ट्री के आसपास आती है और देखती है बेबी पांडा है अकेला है तो वो ले कर उड़ जाती है पीपल हंट पांडास फॉर देयर फर और कई बार तो पीपल भी होते हैं लोग भी होते हैं ना लोग भी तो हंट करते हैं ना जंगल में जाते हैं फॉरेस्ट में जाते हैं एनिमल्स को किल करते हैं क्यों करते हैं उनकी जो बॉडी भी फर होता है ना जो आपने देखे हैं जैकेट्स वगैरह बनती है ये नॉर्मल जैकेट्स नहीं बट जो कॉस्टली जैकेट्स होती है उसमें क्या होता है एनिमल्स का फ़र यूज़ होता है तो वो फ़र कहाँ से होता है एनिमल्स की बॉडी स्किन से लिया जाता है तो इसलिए पांडास को भी किल किया जाता है हंट किया जाता है क्यों उनके फर के लिए पीपल ऑल्सो कट डाउन द बैम्बू फॉरेस्ट दे लिव इन और पीपल हम ह्यूमन बींग्स भी उनके एक तरह से एनिमल्स हैं क्यों क्योंकि हम लोग उनके फर फर को लेते हैं ना यूज़ करते हैं उनको हंट करते हैं हम भी किल करते हैं अटैक करते हैं उन पर ताकि उनकी बॉडी से फर लिया जा सकते है. और अब हम क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं सारे वाइल्ड फॉरेस्ट में से हम बैम्बू ट्रीज़ को कट कर रहे हैं हम भी यूज़ करते हैं बैम्बू तो हम सारे कट कर रहे हैं बैम्बू फॉरेस्ट को जहाँ पर वो रहते हैं सो पांडाज हैव नो प्लेस टू लिव एंड वॉन्डर इन टू नियर विलेजेस इन सर्च ऑफ फूड तो जब हम लोग उनके सारे बैम्बूज़ को ले लेंगे तो पांडास कहाँ रहेंगे तो अब उनके पास इतने प्रॉपर स्पेस नहीं है प्लेस नहीं है रहने के लिए तो वो क्या करते हैं उनको भूख लगती है तो वो आस पास जो फॉरेस्ट के आसपास विलेजेज हैं वहाँ पर घूमते हैं सर्च करते हैं फूड के लिए सो किड्स आई होप दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू यू हैव टू रीड इट टाइस राइट एंड आई थिंक यू इंजॉयड एंड गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी जाइंत पांडास राइट थैंक यू students so in this chapter we we will study about the difficult words we have studied the chapter now and we found some difficult words for you right so we are going to do the difficult words from the chapter the giant panda right difficult words first word is probably probably right spelling is p r o b a b l y probably first is probably second shoulders second shoulders s h o u l d e r s shoulders third woolly third is woolly w double o double l, -l y W double O double -L, L Y wooly. Fourth, dangerous. Fourth is dangerous. D A N G E R O U S. Dangerous. D A N G E R. Danger. And then rest. Dangerous. D E N G E R O U S. Dangerous. Fifth one, Climbers. Fifth one is Climbers. C L I M B E R S. C L I M B E R S. Climbers. Sixth, Communicate. Sixth one is Communicate. C O Double M U N I. C A T E communicate C O D -M, M U N I C A T communicate Seventh Friendly Seventh is Friendly F R I E N D L Y Friendly Eighth Hungry H U N. G R Y hungry h-u-n-g-r-y hungry i hope this is clear to you so let's do once again first is probably shoulders woolly dangerous climbers communicate friendly and the last is hungry so children note down these difficult words in your classwork notebook clear okay thank you